उस शख्स ने जमाने को जीना सिखा दिया, दीवारें जहां मिली दरवाजा बना दिया। जी हां, ऐसे ही तो थे श्री ओपी जिंदल, जिन्हें लोग प्यार से बाऊजी कहते हैं। बाऊजी जिन्होंने लाखों लोगों को सपने देखना सिखाया और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा दी। ये बताया कि दीवारें सिर्फ तभी तक रास्ता रोक सकती हैं जब तक कि दरवाजा ना बन जाए। ये बताया कि हर सपना पूरा हो सकता है अगर नेक इरादों के साथ जमकर मेहनत की जाए। किसान के घर जन्म लेने से स्टील किंग बनने तक का सफर एक सपने जैसा ही तो था, जिसे उन्होंने कड़ी मेहनत और संघर्ष के साथ पूरा किया। नमस्कार। कहते हैं कि आदमी अपनी किस्मत खुद लिखता है, लेकिन ऐसे कितने लोग होंगे जो ना सिर्फ अपनी किस्मत बल्कि देश की तकदीर लिखने में भी बड़ी भूमिका निभाता है। आज हम याद कर रहे हैं ऐसी एक शख्सियत को, श्री ओपी जिंदल को। इन्होंने ना सिर्फ खुद कामयाबी की बुलंदियां हासिल की बल्कि दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया और रोल मॉडल बन गए। 7 अगस्त उस महान शख्सियत का जन्मदिन होता है। देखते हैं उनके बेमिसाल सफर की ये दास्तान। बाऊजी का जन्म 7 अगस्त 1930 को हरियाणा के हिसार जिले के छोटे से गांव नलवा में हुआ था। बचपन में देश को गुलामी की जंजीरों में छटपटाते देखा तो देशभक्ति का ऐसा जुनून पैदा हुआ कि जिंदगी भर उन्होंने जो भी फैसले लिए उनके पीछे देश हित सबसे बड़ा जज्बा था। 1947 में जब देश आजाद हुआ और हर ओर जश्न मन रहे थे, उस वक्त सिर्फ 17 साल की उम्र में श्री ओपी जिंदल ये सोच रहे थे कि क्या देश पूरी तरह आजाद हो पाया है। उनका मानना था कि देश को पूरी आजादी तभी मिलेगी जब आर्थिक मोर्चे पर भारत आत्मनिर्भर बने, और इसके लिए देश को एक और क्रांति की जरूरत थी, कारोबार की क्रांति। उनके पास ना कारोबार का कोई अनुभव था और ना कोई पूंजी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने क्रांति की मशाल अपने हाथों में उठा ली और प्रण लिया कि देश की इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना है, देश को पूरी तरह से आजाद करना है। मुझे याद है बाऊजी हमेशा एक बात पे स्ट्रेस देते थे कि भाई कोई भी काम करो तो खुद की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आत्मनिर्भर होंगे तो हमारे साथ साथ देश भी आत्मनिर्भर होगा, और तभी देश को तभी हमको इज्जत मिलेगी विदेशों में, जब इंडिया कैन प्रोड्यूस एवरीथिंग दे नीड। इसी सपने के साथ 1952 में महज 22 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई कोलकाता के पास बसे लिलुआ में। लाइसेंस राज के दौर में बनाई गई इस फैक्ट्री में मुश्किलें कम न थी, लेकिन बाऊजी ने हर मुश्किल में एक नया मौका देखा। लिलुआ फैक्ट्री में बनने वाली स्टील पाइप दुनिया के कई देशों में मेड इन इंडिया की धूम मचा रही थी, लेकिन सफलता की इस रोशनी की शुरुआत मुश्किलों के अंधेरों से हुई। उन्होंने इंडियन स्टील ट्यूब, जो टाटा स्टील टाटा ट्यूब है, वहाँ से स्क्रैप पाइप, जो पाइप रिजेक्टेड पाइप होता था, उसको खरीदते थे और उससे उसको कलकत्ता ले जाकर उसकी उसको रिपेयर किया जाता था और फिर वो प्राइम मटेरियल करके बिक जाता था। तो उससे उनका शुरुआत पाइप के बिजनेस में ऐसे शुरुआत हुई थी। तो बाद में किसी ने टाटा इंडियन ट्यूब में कंप्लेन की कि ऐसा ऐसा हो रहा है और जिंदल ब्रदर्स जो हैं वो आपके रिजेक्टेड पाइप को प्राइम पाइप करके बेच रहे हैं। तो उन्होंने इंडियन ट्यूब वालों ने ये डिसाइड किया कि नहीं, अभी हम ऐसा नहीं करेंगे, और उन्होंने बाऊजी को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा कि ये बोल रहे हैं कि भाई ये हमको स्क्रैप करके ही देंगे माल को, दो दो फुट के टुकड़े में।
तो बाबूजी ने कहा ठीक है हम वैसा ले लेंगे, तो फिर तो पाइप बनेगा नहीं क्योंकि इतने जॉइंट्स आएंगे। तो ऐसे करते करते उन्होंने उसको फिर वो 2 फुट के टुकड़े लेने शुरू कर दिए और उसके सॉकेट्स बनाए, और सॉकेट्स को जर्मनी में एक्सपोर्ट लिल्वा फैक्ट्री में सॉकेट्स बनाते थे और उससे जर्मनी को एक्सपोर्ट करने लग गए, इतना उनकी अच्छी क्वालिटी थी। तो वो बात भी फिर इंडियन ट्यूब को टाटा स्टील को नहीं जमी, तो फिर उन्होंने वो कहा कि हम देंगे नहीं आपको, हम इसको स्क्रैप करेंगे। तो जब ये हुआ कि भाई अभी उन्होंने वो देंगे नहीं हमको तो हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, लिल्वा की फैक्ट्री बंद हो जाएगी, तब उन्होंने ये निर्णय लिया कि भाई हमको ये पाइप हम खुद ही बनाएंगे। तो इस तरह लिल्वा फैक्ट्री में पाइप बनने लगा। ये फैक्ट्री वो छोटा सा पौधा था जो आगे बढ़ते हुए जिंदल समूह का बड़ा वट वृक्ष बना। लिल्वा फैक्ट्री के बाद इधर हिसार में कई फैक्ट्रियां लगाई गई। स्टील के क्षेत्र में बाऊजी के साथ पूरा देश लगातार आगे बढ़ रहा था। बाऊजी का मतलब हमेशा से ये रहा कि भाई हिंदुस्तान में बनाएंगे तो 20-50 फैक्ट्रियां और चलेंगी और बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये मेक इन इंडिया बाऊजी ने तो आज से 50-60 साल पहले चालू कर दिया था, और उसका बहुत आई वुड से कि जो हमारी इंडस्ट्री आज है जहाँ पे है और इतने इंजीनियरिंग इक्विपमेंट हम बनाते हैं जो आज एक्सपोर्ट भी बहुत करते हैं, मतलब मैं हमारी बात नहीं कर रहा हूँ जो ओवरऑल, तो बाऊजी वॉज वन ऑफ द आर्किटेक्ट फॉर ऑल दिस थिंग्स। बाऊजी हमेशा ये कहते थे कि जो देश के लिए अच्छा है वही व्यापार के लिए अच्छा है, और जो व्यापार के लिए अच्छा होगा वही देश के लिए अच्छा होगा, क्योंकि देश और व्यापार या कारोबार वो जो है एक ही बात है। सभी लोगों के कारोबार को मिला करके ही जो देश की आर्थिक व्यवस्था बनती है, तो इसलिए देश के लिए जो अच्छा है वही बाऊजी हमेशा मानते थे कि वही कारोबार के लिए भी अच्छा है। बाऊजी को करीब से जानने वालों का मानना है कि उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह यही थी कि उन्होंने कारोबार में कभी स्वार्थ नहीं देखा। उनके लिए कारोबार देश सेवा करने का एक जरिया ही था, और ऐसे कई मौके आए जहां उन्होंने देश हित के सामने नफे नुकसान को नजरअंदाज कर दिया। ऐसा ही एक साल था 1991, वो दौर जब देश आर्थिक तौर पर दिवालिया होने की कगार पर था और देश का सोना विदेशों में गिरवी रखा गया। 1991 देश के लिए चुनौतियों भरा साल था। देश का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका था। उस समय भी श्री जिंदल साहब के सामने एक ही बड़ी चुनौती थी, कारोबार का विस्तार जरूर करना है लेकिन साथ में देश हित सबसे ऊपर रहेगा। संकट के इस समय में देश का लक्ष्य था इंपोर्ट पर निर्भरता कम करना, और इस अभियान में बाऊजी भी शामिल हो गए। इस लक्ष्य के लिए बाऊजी ने खुद को समर्पित कर दिया। इस समर्पण के साथ ही शुरू हुआ एक और सपना देश में ही उन मशीनों को बनाने का जिनके लिए भारतीय कंपनियों को न सिर्फ महीनों इंतजार करना पड़ता था, बल्कि उन महंगी मशीनों की वजह से ही भारतीय कंपनियों की स्टील बनाने की लागत भी बढ़ रही थी। दुनिया के बाजार में भारतीय स्टील महंगा दिख रहा था, ऐसे में इन मशीनों को भारत में ही बनाना वो बेहतरीन उपाय था जिसके जरिए इंडस्ट्री के साथ ही देश को भी फायदा होना तय था। नए प्लांट लगाने के लिए, नए इक्विपमेंट बनाने के लिए हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था, खासतौर पे सारी चीज़ें बाहर से दूसरे देशों से आती थी। तो बाबूजी का हमेशा विजन ये रहा कि वो सेल्फ रिलायंट होना चाहते थे कि किसी भी चीज़ के लिए हमें किसी पर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। तो इस विचार के साथ उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें मैं खुद बनाऊँगा, खुद लगाऊँगा और खुद ही चलाऊँगा। बाऊजी ने फैसला कर लिया था कि वो रायपुर में मशीन बनाने का कारखाना लगाएंगे। ये फैसला आसान नहीं था क्योंकि मशीन बनाने का अनुभव ना होना, साथ ही इस परियोजना पर होने वाला भारी भरकम निवेश, इसके रास्ते की बड़ी अड़चन थी। मगर बाऊजी कहां रुकने वाले थे? उन्होंने तय कर लिया कि भारत को एक बार फिर स्वदेशी के नारे के साथ आगे बढ़ाना है।
बाऊजी अपनी धुन के पक्के थे। उन्होंने अपने सपने के पीछे दिन रात एक कर दिए और अगले ही साल यानी 1992 में रायपुर में मशीनरी डिवीजन की स्थापना की गई। देश को एक ऐसी नायाब सौगात दी गई जिसने ना सिर्फ देश की इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाने में बड़ी भूमिका निभाई बल्कि विकास की रफ्तार को भी तेज किया, क्योंकि अब कंपनियों को ना विदेशी मशीनों के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा था और ना ही महंगी मशीनों की वजह से स्टील बनाने की लागत बढ़ रही थी। अगर देश की इकोनॉमी को मजबूती उसके स्टील सेक्टर से मिलती है तो यकीन मानिए स्टील सेक्टर की जान छिपी होती है उसके अपने मशीनरी डिवीजन में, वो जगह जहां उसके प्लांट के लिए मशीनें तैयार की जाती हैं। यही वजह है कि आज हर बड़ी कंपनी चाहती है कि उसका अपना मशीनरी डिवीजन हो। हालांकि श्री ओपी जिंदल साहब इस बात को आज से 23 साल पहले ही भांप चुके थे। रायपुर के इस प्लांट में बाऊजी लगातार अपने सपनों को आकार दे रहे थे। शायद यही वजह है कि ये प्लांट उनके दिल के हमेशा करीब रहा। उनके पास ना कोई इंजीनियरिंग की डिग्री थी ना ही मशीनें बनाने का कोई अनुभव, उसके बावजूद मशीनों को लेकर उनकी जबरदस्त समझ थी। मानो वे मशीनों से बातें करते थे, मशीनों से जुड़ी जटिल दिक्कतों का भी वो जिस आसानी से हल बताते थे उसने दुनिया के अच्छे अच्छे इंजीनियर्स को अचरज में डाल दिया। उन्होंने एक क्रेन बनाई जो कि सोकिंग पिट से इंगट को बाहर निकालती है, तो वो बड़े बड़े इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स में होती है। वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्रेन है जिसमें मतलब ऑपरेटर जो है बिल्कुल फर्नेस के ऊपर जाता है, उसमें नीचे ग्लास का फ्लोर होता है और फिर वो उसको देखकर और उसको उठा के मिल पे चलाते हैं। उन्होंने खुद डिज़ाइन की, इट वॉज़ लाइक ए वंडर, ग्लोबल वंडर कि भाई ऐसे कैसे एक आदमी जो जिसने कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, इंजीनियरिंग नहीं की, उसने किया। ट्रांसफार्मर्स बना रहे हैं फैक्ट्री के अंदर ही, बड़ी बड़ी ट्रांसफार्मर्स की फैक्ट्रीज होती हैं, वो खुद बनाते थे, खुद डिज़ाइन करवाते थे। तो मतलब ऐसे बहुत इंस्टेंस हैं उन्होंने जो उन्होंने किए, जो जब मैं इंजीनियरिंग करके आया तो मुझे भी बहुत शौक लगता था। कोई भी मशीन देखते थे, थोड़ी सी कहीं आवाज़ आ रही है तो इमीडिएटली बता देते थे कि भाई इसके गियर बॉक्स में ये प्रॉब्लम है या इसके अंदर हाइड्रोलिक में ये प्रॉब्लम है, तो इमीडिएटली वो देखते, मतलब आवाज़ सुन के ही इमीडिएटली वो कहते थे भाई इसमें ये प्रॉब्लम है। और बाद में जब हमारे इंजीनियर लोग देखते थे तो एग्जैक्टली दैट प्रॉब्लम यूज्ड टू बी देयर। उनसे जब हम बातचीत करते थे तो ऐसे लगता था कि कोई भगवान के तरह कोई आदमी आया हुआ है जो हमें सिखा रहा है कि ये करना है, वो करना है, ये करना चाहिए। और जब हम उनके सफ़र के बारे में हम ये सोचे कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की और फिर भी हिंदुस्तान की सबसे मशहूर इंजीनियर बन गए, जो खुद स्टील प्लांट अपने बल पे अपने डिज़ाइन पे लगाए हैं, तो ये सब तो आजकल के ज़माने में तो एकदम नामुमकिन है। और ऐसी कोई कहानियाँ तो रहते ही नहीं है कि जो आदमी पढ़ा लिखा नहीं है वो जाके इंजीनियर बन जाएगा और वो भी हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट इंजीनियर। बाऊजी थक कर बैठने वालों में से नहीं थे, हमेशा कुछ नया करने की उनकी जिद ही तो थी जिसने ना सिर्फ देश को तकनीक के शानदार तोहफों से नवाजा बल्कि उनके द्वारा बनाई गई कुछ मशीनें इंजीनियरिंग की वो मिसाल बन गईं जो आने वाली पीढ़ियों को अब भी प्रेरणा देती हैं। उस वक्त देश में लाइसेंस राज था, लो कार्बन फेरोक्रोम वाज अवर मेन रॉ मटेरियल जिसके ऊपर 350% इम्पोर्ट ड्यूटी थी और इंडिया में एक दो कंपनी ही बनाती थी, उनकी मोनोपोली थी और मोनोपोली वो अच्छी तरह से इस्तेमाल कर रहे थे। तो बाऊजी उन्हीं दिनों एक नई टेक्नोलॉजी का इजाद हुआ था विदेशों में और बहुत बड़ी कंपनी एक वर्ल्ड की उसको उनके पास पेटेंट था, पर समस्या ये थी कि ये वो ज़माना था जबकि रॉयल्टी नाम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पसंद नहीं करती थी। उन्होंने कहा भाई अपना खुद डेवलप करो क्योंकि रॉयल्टी हम दे नहीं सकते हैं और कंट्री के लिए ठीक भी नहीं है, पॉलिसी भी है और ठीक भी नहीं है, तो अगर दुनिया में कोई और डेवलप कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते, तो लेट्स डू दैट। एंड बाऊजी ने कुछ ही महीनों में वो डेवलप किया और आज पूरे देश में उन्हीं की टेक्नोलॉजी, बताई हुई टेक्नोलॉजी से सैकड़ों यूनिट चल रही है उसी प्रिंसिपल के ऊपर।
हम सॉल्यूशंस पूरी दुनिया को दें, सिर्फ अपने लिए तक सीमित नहीं रखें। तो ये चीज़ मैंने अपने ग्रैंडफादर से सीखा था कि जो करो सभी के लिए करो, तो तुम्हारा कभी बुरा नहीं हो सकता। बाऊजी की सबसे खास बात थी उनका सरल अंदाज। उनका मानना था कि सबसे बड़ी इंजीनियरिंग वही है जो सपनों को हकीकत में बदल दे। उनका कहना था कि हर मशीन की एक भाषा होती है, अगर उसे समझ लें तो फिर दुनिया की कितनी ही पेचीदा मशीन क्यों ना हो, वो आपके इशारों पर काम करने लगेगी, ठीक वैसा जैसा कि आप चाहते हैं। बाऊजी इस भाषा को समझ चुके थे, तभी तो बड़ी बड़ी मशीनों का डिजाइन वो रेत पर कुछ लकीरें खींचकर चुटकियों में बना देते थे। मैं बाऊजी के साथ प्लांट में भी विजिट करता था, प्लांट में जाता था अंदर, और गर्मी हो सर्दी हो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, पूरी टीम उनके साथ चलती थी। वो फ्लोर पे ही, अगर सीमेंटेड फ्लोर है तो चोक लेते थे, चोक लेके वहीं पे ड्राइंग बना देते थे कि भाई ऐसे ऐसे करके ये करना चाहिए, हमें ऐसे करना चाहिए। डिटेलिंग उसके हमारे इंजीनियर्स करते थे, लेकिन बाऊजी कॉन्सेप्ट बाऊजी क्लियर करके देते थे, लेआउट भी खुद बना देते थे और उसको फर्दर रिफाइनमेंट होता रहता था। ऐसा नहीं है कि एक बन गया तो वो दैट वाज द फाइनल, सो मतलब उसका रिफाइनमेंट होता रहता था। एक बार हम अमेरिका में हम गए और वहाँ पर हमारे साथ में जो है जो हमें कुछ मशीन्स दिखा रहे थे मिस्टर ओम शर्मा, और उनके बेटे जो है विक्रांत शर्मा हमारे साथ थे, और विक्रांत शर्मा जो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो उस समय जो है बाऊजी ने उनसे पूछा कि बोले कि ये मोटर जो है ये एसी मोटर है या डीसी मोटर है। तो वो क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं विक्रांत शर्मा, तो उन्होंने देख कर बोला कि नो आई डोंट नो। तो बाऊजी ने कहा कि ये डीसी मोटर है, क्योंकि देखो इसके मोटर के बॉडी के ऊपर ये बोल्ट लगे हुए हैं और सिर्फ डीसी मोटर्स में ही इस तरह के बोल्ट लगे होते हैं। तो मैं तो खैर ऑब्जर्व कर रहा था, तो मुझे लगा कि बाऊजी को जो नॉलेज है वो बहुत ही डीप नॉलेज है, जो कि कई बार इंजीनियर्स को भी पता नहीं होती। इसी तरह से हम लोग एक बार साउथ अफ्रीका में कहीं हम क्रशर खरीदने के लिए गए थे, तो बाऊजी ने जो वो इंजीनियर्स थे उनसे पूछा कि उनको बोला कि क्या इसके अंदर जो है क्या इस तरह का मैकेनिज्म है इसके अंदर। तो वो दो इंजीनियर्स थे, वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख करके और फिर जो है आपस में स्माइल करके, और बाऊजी बोलते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा है, और मुझे देख कर बोलते कि डू यू थिंक यू एवर नो एज मच एज योर फादर। सो आई सेड नो आई डोंट थिंक आई एल एवर लर्न एज मच, बिकॉज जो इंट्रिकेट चीज़ थी तो वो हैरान थे कि कैसे बाऊजी को वो बात मालूम है। तो मैंने बाऊजी से बहुत काम किया, बाऊजी हमेशा बोलते थे कोई भी अगर समस्या हो उसके बारे में हम सोचेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके बारे में आइडियाज हमें आते हैं कि कैसे उसको सॉल्व किया जाए। मशीनों से उनका प्यार लगातार परवान चढ़ता रहा। यही वजह थी कि बाऊजी ने नई तरह की मशीनें इजाद करना लगातार जारी रखा, साथ ही जारी रहा देश हित में उनका समर्पण। उन्होंने मशीनों के साथ ही हर उस तकनीक को गले से लगाया जिसमें उन्हें देश का भविष्य दिखाई दिया। तो ये पाइप में जब कॉइल को स्लिट करते हैं तो उसमें साइड में ट्रिमिंग मार्जिन्स निकलता है, तो उसका उन्होंने फिर ये अपने आप एक डिज़ाइन किया कि उसकी वायर कैसे बनाई जाए, वायर ड्रॉ करी जाए। उन्होंने ड्राइंग प्रेस लगाई और उसकी वायर बनाई जैसे आप बोल रहे हैं, और उससे उन्होंने वायर बनाया, और वो आज भी उसी तरीके से बहुत ज़बरदस्त बड़ी मात्रा में पूरे देश में वायर बनती है। बाऊजी ने ही बहुत रुचि ली कि साउथ अफ्रीका गए, सैसोल गए, सैसोल में जा कर के उन्होंने कोल गैसिफिकेशन को स्टडी किया। तो कोल गैसिफिकी हम अपने भारत के कोयले से पहले हम इसकी गैस बनाएं और फिर उस गैस से जो है हम स्टील बनाएं। तो उसी उन्हीं के इस सपने को हमने जो है उसको साकार किया, और अंगुल के अंदर पहली बार दुनिया में कोल गैसिफिकेशन प्लांट लगाया कि जिससे स्टील हम बना सकें। तो मुझे ये मौका तो नहीं मिला कि बाऊजी को जो है हम दिखा सकते कि हमने जो उनका सपना था कोल गैसिफिकेशन का उसको साकार किया, लेकिन जो उन्हीं का ये एक बेसिक आइडिया था कि किस तरह से हम भारत के कोयले से, हम स्वदेशी रॉ मटेरियल से हम स्टील बनाएं।
बाऊ जी भले ही कामयाबी के आसमान पर पहुंच चुके थे, लेकिन जमीन से उनका जुड़ाव हमेशा बना रहा। हर छोटे बड़े से वो उतनी ही आत्मीयता से मिलते और उनकी मदद को हमेशा तैयार रहते। लेकिन सरल होते हुए भी उनका अंदाज बेहद करिश्माई था। जिसने भी उन्हें करीब से देखा वो उनका ही हो गया। उनके साथ काम करने वाले लोग बताते हैं कि कैसे बाऊजी का इंजीनियरिंग और मशीनों का ज्ञान किसी किताब और इंस्टीट्यूशन से ज्यादा था। उन्होंने अपने साथ काम करने वालों को हमेशा यही सिखाया कि असली इंजीनियर वही है जो असंभव को संभव कर दे। अगर इंजीनियर बनना है तो सबसे पहले असंभव शब्द को भूलना होगा, और ये सिर्फ किताबी जुमले नहीं थे, उन्होंने असली जीवन में हर कदम पर ये साबित किया। अगर कोई आदमी सही काम कर रहा है और वो कोशिश कर रहा है, बाबूजी होशियारी के बारे में तो देखते ही नहीं थे, वो खाली कहते थे कि कोशिश करना बहुत ज़रूरी है, और वो भी एकदम साफ कोशिश, एकदम करेक्ट कोशिश, ऐसे नहीं कि गलत तरीके से कोई आदमी बढ़ना चाहता है। अगर आप ठीक तरह के कोशिश कर रहे हो और मेहनत कर रहे हो, फिर बाबा जी हमेशा आपकी हेल्प और आपकी मदद करते रहते थे। कॉलेज से पढ़े जरूर थे, बट वो किताबी ज्ञान था। प्रैक्टिकल इंजीनियर जो उन्होंने बताया, हम लोगों को जो ज्ञान दिया, मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। एक बार एक जॉब आया, तो वो जॉब हमारे पास उस वक्त कोई मशीन नहीं थी जिस पर वो जॉब आ सके, तो हमने बाऊजी को बोला, बाऊजी ये जॉब तो अपन चढ़ा ही नहीं सकते, अपने पास मशीन नहीं है। तो बाऊजी बोले, क्या हुआ, मशीन को काट के बड़ी कर दे। उन्होंने हमें बताया ये मशीन कैसे कटेगी, और उन्होंने उस मशीन को बड़ा करवाया। उस दिन हमने समझ में आया कि इनसे बड़ा इंजीनियर दुनिया में कोई नहीं हो सकता, ना है ना होगा। बाऊजी का जीवन संघर्षों से भरा था। चुनौतियों को खुले हाथों से गले लगाने का उनका अंदाज ही तो था जिसने उन्हें भारतीय उद्योग जगत का शिखर पुरुष बनाया। बाऊजी ने अपनी टीम को भी हमेशा नई चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने टीम के जूनियर कर्मचारियों को भी हमेशा नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया, और ये भरोसा दिलाया कि बाऊजी हमेशा तुम्हारे साथ हैं, बस नया करने में झिझकना नहीं। मेरे ग्रैंडफादर ने हमेशा मुझे बोला कि बेटा, एक तो तुम्हारे दरवाजे कभी लेबर के लिए बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वो हो गए, देखो मैनेजर को तकलीफ होगी ना, वो कैसे भी तुम तक पहुंच जाएगा, पर वो जो आदमी आपकी मशीन चलाता है, उसको अगर आपने इज्जत से अपने दरवाजे में घुसने नहीं दिया, तो आपको कभी पता नहीं लगेगा क्या हो रहा है। तो अगर ज़मीन से जुड़ा रहना है तो उन आदमियों के ज़रिए जड़ों तक पहुँचिए। तो आपका सच से जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है, पूरी चीज़ मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने मुझे बहुत प्रेरणा दी कि कंपनीज को भी संभालूं, साथ में अपनी लाइफ के लिए भी कुछ करूं। वो मुझे जब भी आते जाते मुझसे पूछते थे, हाँ बेटी कमाया कि गवाया, तो जब मैं कमाया बोलती थी, हाँ मेरा कमाऊ पुत। जब हम बचपन में साइकिल सीखते थे तो हमें कॉन्फिडेंस होता था कि पीछे से हमारे फादर ने साइकिल पकड़ी हुई है, वो हमें जो कॉन्फिडेंस देते थे कि बेटा तुम चलाओ, मैंने पकड़ रखा, तुम नहीं गिरोगे, हमें वो कॉन्फिडेंस ऑलवेज बाऊजी से मिला। बाऊजी मतलब बाऊजी बोलते हैं पिता को, ऑलवेज उन्होंने हमें वो कॉन्फिडेंस दिया कि तुम नहीं गिरोगे, गिरोगे तो मैं संभालूंगा, तुम करो, गलत हुआ तो मेरा है, ठीक हुआ तो तुम्हारा है, तुम इसको करो, ये मत डरो कि फेल हो जाओगे, मैं खड़ा हूँ, तुम कभी नहीं गिरोगे। और हम आज भी उसी कॉन्फिडेंस से करते हैं कि बाऊजी खड़े हैं, उन्होंने पकड़ रखा है, इसलिए हम नहीं गिरेंगे, और हम कामों को करते चले जाते हैं। जिस तरह लोहे की बेजान चादर को काटकर फैक्ट्रियों में जान फूंकने वाली मशीनें तैयार होती हैं, ठीक उसी तरह बाऊजी ने अपने मजबूत इरादों और मेहनत से अपनी जिंदगी को नया रूप दिया, सपनों को साकार किया। जिस तरह सोना तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही तमाम चुनौतियों पर विजय पाते हुए बाऊजी मैन ऑफ स्टील बने। सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने स्टील के क्षेत्र में भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया, बल्कि उनके फौलादी इरादे, कभी हार ना मानने की जिद, शिखर पर पहुंचकर भी विनम्र बने रहने की सीख और सबको साथ लेकर चलने का अंदाज ही उन्हें सबसे अलग करता है। जिसने देश को आगे ले जाने की जिद में खुद को पूरी तरह समर्पित किया,
जिसने औद्योगिक क्रांति का अलख जगाकर देश का परचम दुनिया भर में लहराया। आज देश नम आंखों से अपने उस क्रांतिकारी को याद कर रहा है। मुझे आज भी महसूस होता है काश वो और लंबा जीते, उनके नेतृत्व में और कुछ हमें सीखने का मौका मिलता। एक सपोर्ट थे वो मेरे बहुत बड़े, मैं उन्हें बस हग करके बोलती आई लव यू बाबा जी। आज बाऊ जी हम सबके बीच नहीं है, लेकिन आइए प्रण लेते हैं कि बाऊ जी ने जिन आदर्शों की स्थापना की, मेहनत और ईमानदारी का सबक सबको सिखाया, उस रास्ते पर हम भी चलेंगे। वो रास्ता हम कभी नहीं छोड़ेंगे और यही होगी बाऊ जी को सच्ची श्रद्धांजलि। नमस्कार।